राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है वो शब्द जरूर राहुल गांधी जी के थे, लेकिन जो भावनाएं थी वो आम आदमी की थी। जो आज देश का आम आदमी सोच रहा है वो उन भावनाओं को उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने किस बात पे बात किया? उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की हिंसा के खिलाफ, इनके जो दंगा कराने की जो नीति है उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और मोहब्बत को फैलाने का काम कर रहा हूँ। अब किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कोई आम आदमी दंगा नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि देश में अमन चैन शांति रहे। अब हर आदमी घर से सुरक्षित होकर जाना चाहता है। दूसरी बात, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंह में जब घटना घटी तो कहलाने वाले जंगल वाले लोग बाहर आ गए, शहर में घटना घटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर आ गए जिसमें कि इंस्पेक्टर की हत्या तक हुई थी, और कर्नाटक में तो आपने देखा कि अमित शाह ने धमकी तक दी कि अगर भाई नहीं जिताया तो दंगे करा देंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात उन्होंने करी रोजगार की। आज इस यहाँ पर मौजूद कितने सारे ऐसे बाप होंगे जो शाम को घर जाते हैं, उनकी कलेजा फटता होगा जब घर में नौजवान बेटे को जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद घर में बेरोजगार पड़ा है, निठल्ला पड़ा, उसे देख के उनकी छाती फटती होगी। राहुल गांधी ने आज बेरोजगारी पर बात करी है, और ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। इस देश में 980,000 नौकरियां सरकारी खाली है आज की तारीख में, 3,00,000 तो आपको बता रहा हूँ रेलवे में खाली है, 2,00,000 से ज्यादा डिफेंस में और 1,00,000 से ज्यादा होम मिनिस्ट्री में खाली है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनकी नियत नहीं है नौजवानों को नौकरी देने की। कहाँ ज्यादा होगा और मैं आज जब्बार भाई से पूछता हूँ, आप अपने समाज में जाओ, अब सुनो, अब जब्बार भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने समाज में जाना और अपने गरीब गुर्बत में जो मुस्लिम है जिनकी अवस्था, जिनकी अशिक्षा, जिनकी अवस्था 70 वर्षों में दलितों से भी कम है, उन मुसलमानों को आपकी पार्टी ने क्या दिया, क्या सबसे पीछे, क्या पुरस्कार दे दिया मोदी ने? कुछ शेर वेर लाए हो आज खाने का? क्या लाए हो? जी मोहब्बत पे लाए हो? मोहब्बत की है कभी? खरी नहीं? अरे तो जब मोहब्बत की नहीं तो शेर कैसे लिखोगे? अच्छा खरी है। वैसे सच तो ये है कला कला उसकी पहचान जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत करे, वो तो वहां तक पहुंच सकता है। जी आप राहुल जी हैं तेरे प्यार में कंटेंट मिल गया है। फाइनली हम लोग क्या बोले बोलो आ जाओ इधर आ जाओ। फाइनली हम अभी मौजूद हैं कनॉट प्लेस दिल्ली में और हमें कंटेंट मिल गया, और हम लोग को आज बहुत ही अच्छा कंटेंट मिला। और ये दो